आगरा के थाना सिकंदरा इलाके के रुनकत्ता से लापता हुई युवती के मामले में आरोपी जिम संचालक साजिद की गिरफ्तारी ना होने पर शुक्रवार सुबह गांव में बवाल हो गया। आरोपी जिम संचालक के दो घरों में आग लगा दी गई। सूचना पर कई थानों की फोर्स और दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। इस मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने रुनकत्ता चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। वहीं पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 4 दिन पहले रुनकत्ता क्षेत्र से एक समुदाय विशेष का युवक युवती को अपने साथ ले गया था। एक दिन पूर्व पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था, लेकिन आरोपी युवक के ना पकड़े जाने से हिंदूवादी कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। शुक्रवार सुबह अचानक बड़ी संख्या में कुछ अराजक तत्व विशेष समुदाय के लोगों के घर पहुंचे। उन्होंने दो घरों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान घर में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। देखिए, हमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही हमने दो गाड़ी में स्टाफ के मूवमेंट किया। मौके पर पहुंचकर पाया कि ये 3 घरों में आग लगी हुई है, जिसमें एक जूता बनाने के फैक्ट्री टाइप की है और 2 मकान हैं। ये करीब 4 दिन पहले एक बालिग लड़की एक लड़के के साथ चली गई थी और दोनों बालिग थे। ये दोनों अपोजिट संप्रदाय के थे। लड़की पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। अभी कोर्ट ना खुलने के कारण, बंद होने के कारण, छुट्टी होने के कारण उनका अभी बयान नहीं हो पाया था। इस बीच ये यहाँ के कुछ धर्म जागरण समन्वय संघ के कुछ कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने जिस लड़के के जो लड़का लड़की लेके गया था उसके घर में आग लगाई है। मैं मौके पर हूँ, आग बुझा दी गई है। यहाँ पर पूर्णतः शांति है और कोई ऐसी बात नहीं है। FIR रजिस्टर की जा रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लापरवाही बरतने पर यहाँ के जो रौनकता के चौकी इंचार्ज हैं उन्हें मेरे द्वारा निलंबित किया गया है और जो थानाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जांच संस्थित की गई है। यदि इनकी भी लापरवाही पाई जाएगी तो इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगजनी की सूचना मिलते ही SSP सुधीर कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उपद्रव मचाने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं लापरवाही पाए जाने पर रुनकत्ता चौक के इंचार्ज जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही थाना प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा बलवान सिंह के खिलाफ भी विभागीय जाँच के आदेश दिए हैं।